हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग जहाँ भी होंगे सस्त होंगे मस्त होंगे कि आप सब हो इतने प्यारे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के दिन कुछ खास करते हैं। तो गाइज, ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देहरादून से और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो आपने मेरे इससे पहले वाली ब्लॉग देखी थी, तो जहाँ पर मैं गया था गाड़ी को देखने के लिए और मुझे फाइनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो हमने बुकिंग वगैरह करी, उसके बाद हमने डिलीवरी वगैरह ले ली थी और उसके बाद हमने 2-3 दिन अजय भाई के साथ काफ़ी चलाई। और फाइनली आज मैं जा रहा हूँ अपने गाड़ी के लिए हेलमेट लेने के लिए, क्योंकि यार देखो सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ रूम से बाहर और यहाँ से आप देख सकते हो, तो यह है देहरादून का मौसम, तो ये कुछ इस प्रकार से है। बाकी आज मुझे यहाँ से जाना है घंटा घर के लिए। चलो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम पहुंचे हैं घंटाघर पे और अभी शाम के 6:30 हो चुका है। बाकी मैं यहाँ से आपको चारों ओर का व्यू चेक करना चाहूँगा। यहाँ ऊपर की साइड देख सकते हो आप, तो ये हमारी राजपुर रोड और यहाँ से मैं लेफ्ट साइड को टर्न करता हूँ अपने मोबाइल को। तो ये रहा यहाँ पे घंटाघर, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट जाएगी वो जाएगी प्रेमनगर के लिए और जो लेफ्ट साइड जाएगा वो जाएगा प्रिंस चौक के लिए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और दिखाता हूँ मैं कि मुझे हेलमेट कहाँ से लेना है। सो वो जो दुकानें हैं तो वो यहाँ से पड़ती हैं आगे वाली लाइन पर। तो चलिए अभी फटाफट चलते हैं, अभी अपना जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी फिर आप ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है देहरादून का दून लव। सो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सो फोटोज़ वगैरह ज़रूर खिंचाते हैं और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि किस किस को यहाँ पे अच्छा लगता है और किसने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचाई है। तो गाइस, अभी अपन लोग आ चुके हैं घंटाघर से आगे और जिन दुकानों की मैं बात कर रहा था तो वो दुकानें हमारी यहाँ पे हैं। तो हम मतलब जब भी हेलमेट वगैरह लेते हैं सो ज़्यादातर हम शॉपिंग यहीं पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे रेट पर हेलमेट वगैरह मिल जाता है। सो पिछले बार यहाँ पे अरुण भाई भी आए थे, सो उन्होंने भी यहीं से अपना हेलमेट परचेज़ करा था। सो तब से मुझे ये दुकान याद है, तो हम भी अभी इन्हीं से पूछते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो अभी हमारे कितने घंटाघर पे और यहाँ पे हमें एक हेलमेट की शॉप मिली है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे प्यारे प्यारे हेलमेट हैं, तो इनमें से हमने एक सेलेक्ट करा है। नौ भाई दिखाना यार सेलेक्टेड हेलमेट। सो गाइस, तो ये हमने सेलेक्ट करा है, तो पहन के दिखाओ नौ भाई। तो बाकी आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। तो हम दोनों को तो फाइनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लुक वाइज पूरा गाड़ी के साथ फुल मैचिंग है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साइड व्यू, इसका बैक व्यू और इसका फिर लेफ्ट साइड का व्यू और फ्रंट है कुछ इस रास्ते की वाइजर बंद करना। सो ये चेक करो, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो चलिए अभी फटाफट इसको बाय कर लेते हैं। ये हमारा हेलमेट और ये हमने चूज़ कराया। बाकी यहाँ पर अभी नवदीप भाई इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी हमारा पेमेंट ओके हो चुका है और ये रहा हमारा हेलमेट का बिल। सो फाइनली अभी हमारा हेलमेट वगैरह आ चुका है और पेमेंट अपने कर दिया है। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है भैया, थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन लोग एंटर हो चुके हैं परेड ग्राउंड पे और यहाँ से आप परेड ग्राउंड का व्यू देख सकते हो, अभी नाइट का टाइम है। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम मैजिक में बैठ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सो अब मिलूंगा मैं आपको सीधे रूम पे। तो अभी हम रूम पे पहुँच गए हैं और मैं जिस काम के लिए घंटाघर पे गया हुआ था वो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो फिलहाल अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और मम्मी और बहन को पूछेंगे कि इनको ये हेलमेट कैसा लग रहा है। बाकी तो हमने वो तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये बाइक के साथ फुल मैच कर रहा है। ये है अपना हेलमेट और चलते हैं अभी अंदर और पूछते हैं मम्मी से कि इनको कैसा लग रहा है। तो अभी आज का हमें रूम में और यहाँ पे है मेरे साथ मम्मी जी। मान लीजिए ये हेलमेट खोलेगा, ये है अपना हेलमेट पहनो। तो गाइस, ये है हमारा हेलमेट और वाइजर कांच। सो इसकी हमने पन्नी निकाल दिया। तो गाइस अब चेक करो, अब इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हेलमेट थोड़ा मम्मी जी को पहनाते हैं। तो गाइस ये चेक करो, ओ वाह यार बढ़िया लग रहा है यार। अब बताओ मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस मम्मी जी ने ट्राई कर लिया, मम्मी जी को काफ़ी पसंद आया। तो अब नवदीप भाई आप ट्राई करो। वाह यार काफ़ी सही लग रहा है भाई। मोदी भाई ने भी हेलमेट ट्राई कर लिया, इसको भी काफ़ी पसंद आया। अब ट्राई करने वाला प्रो राइडर, तो दिखाता हूँ मैं कि मेरे में ये लुक कैसा आता है। सो ये रहा अपना हेलमेट। तो भाई सभी मेरे साथ आज के नीलम, तो अभी देखते हैं कि इसको हेलमेट कैसा लग रहा है। तो इसने अभी हेलमेट पहन लिया है। भाई ये अपनी राइडर और कल से गाड़ी अब ये चलाएगी।